नमस्कार, प्रणाम, आदाब और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज लोकतंत्र में आम नागरिकों की आम आवश्यकता है पानी, बिजली, मकान और दो वक्त की रोटी। आज मैं गांव भनाई में पहुंचा हूं और आपको अगर यहां के हालात दिखाऊं, यहां के वाटर वर्क्स के बिजली के हालात, तो आप सब राजस्थान वासियों ने, भादरा वासियों ने देख ही रखे होंगे। किंतु आज मैं इस गांव की ज़मीन से जुड़ी एक समस्या से रूबरू करवाने के लिए आप सब लोगों के बीच लाइव जुड़ा हूं और आज मैं भनाई के वाटर वर्क्स में मौजूद हूं। यहां के वाटर वर्क्स का आप हाल देखेंगे तो एक तरीके से कैंसर रोग बनाने की जगह और एक तरीके से मशीनी वाटर वर्क्स बन गया है। यहाँ पर जो मोटरें चलती है वो पानी के लिए नहीं, इन गाँव के लोगों में बीमारियाँ पैदा करने के लिए चलती है और उन मशीनों से एक तरीके से कहे तो इतना गंदा पानी, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो वाटर वर्क्स है और इस वाटर वर्क्स के अंदर कितनी गंदी बदबू आ रही है। यहाँ पे जो पानी लोगों के घर सप्लाई किया जाता है वो आप शायद महसूस ना कर सकते हो, किंतु कैमरे के माध्यम से हम प्रयास करेंगे आपको महसूस करवा पाए। आप देख पा रहे होंगे स्टोरेज से उठाकर इसके अंदर पानी डाला जा रहा है और इसका पहले तो मैं आपको हाल दिखा देना चाहूँ। ये एक डिग्गी बनी हुई है जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, 40 वाई मेरे हिसाब से 40 की हो सकती है, ये इससे बड़ी भी हो सकती है और इसकी व्यवस्था आप देख सकते हैं। पहले तो इसकी छत गिरी हुई है पूरी की पूरी और मेरे अनुमान से ये काफ़ी पुरानी भी प्रतीत होती है और प्रतीत ये भी हो रहा है कि आज तक इसे हिलाया भी नहीं गया है। और दूसरी बात करें तो इसके अंदर इतनी गंदी बदबू आ रही है जो कि आप सोच नहीं सकते। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से उठाकर इस पानी को लोगों के घर के अंदर सप्लाई में दिया जाता है। कितनी एक तरीके से कहें तो दुखद और निंदा का विषय हो सकता है कि आज आज़ाद भारत के अंदर देश चंद्रयान के माध्यम से चांद पर अपना झंडा गाड़ चुका है, किंतु हम लोग आज भी आम जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। ये कमी कहीं ना कहीं नाकाम प्रशासन की, नाकाम जनप्रतिनिधियों की और कहीं ना कहीं कमी जनता की है जो कि समय के ऊपर बोलती नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर बदबू, मछलियां भी तैरती हुई दिखाई दे जाएगी और इसके अंदर मिट्टी आप देख पा रहे होंगे क्योंकि राजस्थान प्रदेश है वो आंधी बरसात मौसम बदलने का प्रदेश है। और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कीचड़ है, मिट्टी है, जिस कारण से ही इसके अंदर हो सकता है मिट्टी जाए, कचरा जाए, कीचड़ जाए, जानवर जाए। अगर इसके अंदर कल को कोई जानवर भी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कुछ भी अगर गिर जाता है तो मेरे हिसाब से तो वो इसके अंदर ही मर सकता है। और अगर पूरे में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कह नहीं सकते। आप देख पा रहे होंगे और उस ओर देखेंगे तो पूरा गांव, जो कि गांव के जागरूक नागरिक है, वो यहाँ पहुंचे हैं और आप लोग इसे शेयर कीजिएगा। मैं गांव के लोगों से भी बात करूंगा, उससे पहले इनका स्टोरेज दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, अगर उस साइड से भी देखेंगे तो छत में भी, जब छत ये जो पूरी डिग्गी बनाई गई होगी इसकी जो छत है उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ होगा और उसी भ्रष्टाचार से ये छत गई है। छत के कारण ये देख पा रहे होंगे पूरी डिग्गी जो है वो, ये छत गिरी हुई है। आप देख पा रहे होंगे छत के कुछ हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसके अंदर से जो बदबू आ रही है एक तरीके से वो असहनीय है। मैं आपको स्टोरेज दिखाता हूं इनका और जब आप इनका स्टोरेज देखेंगे तो एक तरीके से आप चिंता में आ जाएंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप तो तमाम लोग हमें इस वक्त लाइव देखे हैं, वो इन आम लोगों की समस्या को शेयर करें। वहां देख पा रहे होंगे गांव के समस्त जो जागरूक जो नागरिक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और वो अपने गांव की समस्या का एक तरीके से निस्तारण करने की मांग को लेकर यहाँ आए हैं और हम गांव के लोगों से बात करें। उससे पहले मैं आपको इनका स्टोरेज दिखा देता हूँ और आप समस्त लोग जो मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं आप स्टोरेज देख पा रहे होंगे। ये आजाद भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील का गांव बनाई है और आप इनका स्टोरेज देखें, मैं आपको दिखा देना चाहूं। स्टोरेज की अगर आप हालात देखेंगे, मैं और थोड़ा नीचे आपको ले चलता हूं और आप जो समस्त लोग इस वक्त इस वीडियो को देख पा रहे होंगे वो चिंता में आएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये टंकी जब बनी थी उसके बाद से लेकर आज तक शायद इस डिग्गी का ध्यान नहीं दिया गया। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जानवर भी आपको दिख रहे होंगे, मछलियां तैर रही है और ये पानी लोगों के घर के अंदर पीने के लिए जाता है। कितनी विडंबना की बात है, कितना एक तरीके से कहें तो चिंता का विषय है कि ये पानी
इस आजाद भारत में जहाँ पे दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और बनाई गांव के ये लोग आज भी ये पानी पी रहे हैं। उस ओर आप देख पा रहे होंगे ये टंकी हालांकि खूब बड़ी है स्टोरेज, और मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये विकास आपको दिखा देता हूं। ये देख पा रहे होंगे आप डिग्गी की जो दीवार है वो एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, हालांकि वहां तक तो शायद कभी पानी पहुंचा ही नहीं होगा। दूसरी बात करें तो शायद आज तक इसकी सफाई भी नहीं की गई होगी। हम जमीनी स्तर की जो समस्या है वो लाइव दिखाने के लिए आए हैं। आप ऊपर देख पा रहे होंगे गांव के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले आप इस डिग्गी की व्यथा सुने और इस गांव के लोगों की जो व्यथा सुनेंगे तो आप एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जो आप समस्त लोग हमें लाइव इस वक्त देख रहे होंगे वो इस जन समस्या को शेयर कीजिएगा, ताकि प्रशासन के और इसके अलावा जो सब लोग हमें देखेंगे उन लोगों तक ये हकीकत पहुंच पाए। हम गांव के लोगों से बात करेंगे और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे गांव के लोग युवा भी सबसे ज्यादा संख्या में आज पहुंचे। अंकल आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोला माँ, गंदगी बहुत है। हाँ, बोला तो, क्या गंदगी है? गंदगी गंदगी घना दिन हो गया। कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? चार साल से देख रहे हैं ऐसी बढ़िया सामान। चार साल के पहली भी आगे देखे हो वर्क ऑर्डर है। अच्छा, वर्क ऑर्डर है। अच्छा, अब मैं बाकी परमिशन लेने खातर बोलियो सरपंच एनओसी दे दो। जो बोले एनओसी देखो वर्क ऑर्डर हो रहा है तो एक महीने बाद दिखियो काम शुरू होना है। से बताओ केक होगा केक के समय पानी का सफाई सफाई तो चाहिए। और सफाई करके कहे तो इन अथवा थे तो पानी क्या मगाला में सारा काम बीमार बीमार हो रही है। डाल कर दे दिया पीछा पे दाना हो ही को नहीं रे। सफाई बीमार हो रहा चली कौन जा पानी कारण बीमार हो गया पानी हुआ। और के पानी लगे बजट आया बे उमड़ जी की डिगी है सरपंच साहब के बजट आ रहे हैं बट वर्क ऑर्डर हो रहे हैं। वर्क ऑर्डर हो रहा है मैडम ने पूछो काम हो जाओगे? हो जाओ उम्मीद है काम होने की? उम्मीद तो करया होगी उम्मीद तो सरकार पैसा देगी नहीं दे दो पहले अभी तीस के अंदर गंदगी है अभी तो इसको साफ करेंगे तो गांव तीस में साफ करो कर दो पानी तो अभी पी लाओ पी ला। हाँ तो पानी तो यही साफ करा जो कम से कम एक डेढ़ महीने ज्यादा साफ हो गया इतने गांव तीस मर्जी पानी में अकड़ गाला पानी गालने कोई जगह है कोई नहीं जय इंसा भाई करा क्यों कर पानी लिया और खड़ो लिया ओ पानी लिया काल नर मुझे आगे जेरी है माँ ओ इतना पानी हो ही कोई नहीं है ही नहीं पानी गांव में मसली तेरी काल पानी गाल लिया माँ पानी मछली खड़ा हुआ है मछली है मछली बस आ रहे हो हाँ बस आ रहे हो हाँ उल्टी आ रही समझते हाँ उम्मीद तो प्रशासन करेगा तो वगो ने गांव तो प्रशासन बात बहुत हो सरपंच साहब बात वही मैडम बोली के वर्क ऑर्डर है एक महीने बाद काम शुरू हो जाए वो तो एनओसी दे कौन सा मैं एन साफ कराओ मैं मकनू एनओसी मांगी मारे आईएन साहब है घोटिया जी भाड़ी का मैंने बुलाया भाई आया छोरा भी नहीं है तो भाई बोले आप करा कौन सा या फिर मकनू एनओसी लियो मैं एनओसी को पूछो बोले सरपंच साहब मैं एनओसी दे कौन सा नहीं तो गांव बीमार हो जाए नहीं तो वह देवा को नहीं करा के तो कई एक महीने बाद काम शुरू हो जाओ सरपंच साहब इतना बोले एक महीने बाद पानी के एंग माना गालो वो तो मैं गालो पशुआ खातर भी डांगर तीस थोड़ी मर गए एक महीने नहर ने आवाज इतने खड़ जाएगा बस किसी तो पानी बैग माऊ दे वे इम जो पानी पड़ रहा है वो पानी है इम जो पानी पड़े वाला लाइन चले लाइन उठ रही है नहर मने ने नहर मने लाग रही है सड़क मने लाग रही है सड़क की बजाओ वाला लाइन उठ गई पानी को नहीं आवे बीमार हो पानी देख ला रहे होते कोई पानी लोग गर्म जान लग रहे है सरपंच भी हटा गया और वो पानी बीमारी का घेरो बहुत ही बहुत ही आवा है
बहुत ही मुंडी नंबर पीले से पानी ना के पीले दुखी हो रहा पानी गालू दुखी आ मछली मर रही है मां मछली मर रही हो तो पानी गाल दियो दिक्कत को मिक्स ही आवे मछली को तेल और सारो ही दलदल सी हो रही है 8-8 10-10 किलो की पाथर में तो रोग बढ़ जाए बढ़ रही है खूब कैंसर हो रही है मरगम में तो खूब कैंसर हो रही है गम में कितना आदमी हो रही है कम से कम होगी मेरे ख्याल में 15 आदमी आगी कई तो जालिया कई जाने वाला हो रहा है सारो पानी के कारण अब तो पानी की वजह तो है तो कैंसर बनाई मैं इतने जान बादर नहीं बैक नहीं बैक आएगा टंकी बनाऊंगा टंकी बनाता साल डेढ़ साल टाइम टाइम लग जाओ इतना प्रशासन है बंगो इब के ब्रो कत्ता ही प्रशासन जागे कत्ता ही नहीं जागे बहु पहले तो मैं मार लो सर जो काम अठे प्रशासन जागे उठे इधर गांव सल्ट ले है इधर गांव सल्ट ले अरे तो गांव सल्ट ले वो तो टाबर पिए बांध ज्यादा ये बांध माजे पानी गिर रहा नहीं 8-8 साल हो गई आने जी सर पर साहब आंगो अब करे साफ ही ये साफ करे अब करे अब करे पहली हाई कोनी एकदम तो घास बंद है ये 5 साल ये करे क्यों कोनी क्यों बंद करे है बंद पड़े के कारण खराब है बंद होने कारण क्या खराब है नया बनती खराब हो गया नया कौन बनया पहली चालियो बाद में खराब हो गया ये चालू है सर चालू है खराब नहीं है एकदम सही है ये सरपंच साहब बोले कि ये सरपंच साहब नहीं चल रहा है इनकी लापरवाही की वजह से लापरवाही इनकी लापरवाही की वजह से ये बंद है अगर इन्हें पानी डाला था सरपंच साहब की लापरवाही क्या सरपंच साहब क्या लापरवाही इनको बोला था कि इनको चालू करवा दो एक दिन सफाई करवा दी इन्होंने आईएनजीएन को फोन कर दिया हमें कोई उम्मीद नहीं किसी से आईएनजीएन बोल रहे थे हम चालू करवा देंगे दो दिन में नहीं हुआ चालू इसके अंदर बहुत भयंकर बदबू मार रही थी इन्होंने पानी डाल दिया गंदे नाले से पानी 5-7 दिन पहले गांव का विधायक आ गए पहले विधायक जी कोई सुनवाई नहीं है किसी की नहीं मिल गया थे मिल गया भी गया बताया मैं तो वाटर वर्क्स खतर ए खतर गया फिल्टर चालू करवा दो भाई गंदो पानी में पीस का फिल्टर की वजह कोई बात नहीं फिल्टर हो जाए गंदो पानी है तो फिल्टर हो जाए तो मतलब मोटा कम हो फिल्टर के अंदर रेती भी नहीं है कैसे होगा फिल्टर इसके अंदर रेती गिरेगी सरकार दर्द होगी तब आएगा ना यहाँ से ऑर्डर मिलेगा रेती के लिए तब रेती मिलेगी ना इनको रेती के लिए ऑर्डर तब देंगे ये चालू होगी तब नहीं तो चालू ही कौन हो जाता है परवाह नहीं रे चलो सरपंच ने कहा सरपंच आप ग्राउंड 3 साल लगा दिया होगे आप बता दे मन तो सरपंच नहीं नहीं सरपंच आप ग्राउंड लगा दिया होगे भाई आप बताओ अपा सरपंच रोड बुद्या सरपंच ने तू न्यू बता सरकारी काम आ रही है तो सरपंच ने तो करा तो कान पकड़ी करवा लिया गांव का मुखिया कौन होया गांव का मुखिया सरपंच होया गेहूं किसे को लगा सरपंच आवे तो सब कुछ करवा सके सरपंच तो दियो आलो है बैठ जा बोले तो दिया कह के मेरा कोटर हो जाएगा दो दिन गांव का छोरा लग जाओ मैं लग जाऊं खुद कसी ले हां बिल्कुल लगो काम है दो दिन में होया कोनी साहब है होने पानी सूख चुका था इन्होंने उस नाले से इसके अंदर पानी डलवा दिया नहीं ये पानी सूख चुका था ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर एकदम साफ हो जाएगा बता दो चलो पानी ना कर जाएगा एक महीने से बंद है पानी हो गया महीना हो गया पानी क्या एक महीनो क्या पियो थे गंद पीन लग रहे हो गंद का कदों आ रहा है ओके एक मां ले पानी गरम जो पानी है जो नहर में आवे डिंके नहरू कठा हुआ अठू किसे फिल्टर में जाए कठू गांव में सप्लाई हुए लाइन आवे पानी डायरेक्ट लाइन है लाइन आवे पानी एंगमा आवे एंगमा फालतू पानी हो जाए एंगमा गले समझिए ओ पानी में अब एंगमा पानी हो ही कोनी स्टोरेज हो हां स्टोरेज हो है जबान में कहो मने पैगी बात दे दो एनओसी दे दो मैं ने सफाई करा दियो जब बोले सरपंच साहब एनओसी कौन देस का समझिए मैं खुद कराऊंगा जब फिर खटून दे दूंगा मैं के कारण मानो अधिकारी क्यों कौन दे एनओसी एनओसी कहेंगे वर्क ऑर्डर हो रहे अच्छा जब मैं कौन देस का एनओसी थारकन पंचायत हो तो कड़े पंचायत हो इतनी बड़ी डिग्री साहब कौन ही हो यो नाला पानी डालेगे ना कि नाला पानी डालेगे नाले से जो बंदे खा के हार्ट अटैक वहां पड़े वो पानी डालेगे अंदर पहले या एकदम मतलब 10 या 15 दिन में एकदम साफ हो जाए मनरेगा थ्रू सरपंच साफ करवास का यदि एनओसी मिल जाए लेकिन ये बोले एनओसी को मिले ये भी के ये दरनो देश का है
सारा साडा परिवर्तन ग्राम विकास समिति का सदस्य सब साथ में आए इनके इतना दिन साथ में रहा है नेता थोड़ी बैठा होने पर माने न्यू कहो मतलब वो काम है ना वर्क ऑर्डर हो रहा है सरपंच साहब मैडम वो भी बात कर लो तो वर्क ऑर्डर हो रहा है जब माने प्रमोशन कौन दे सके कितना बजट को ध्यान को नहीं कितना है एक महीना अंदर पानी हो नहीं थे डाले ना वो नकुंडा नाला ले आ एक महीने साफ को नहीं हुआ तो सरपंच साहब ने पिए तो नहीं लाश तो को नहीं घरे चलन आ रही मैं बाल्टी भर के गाना तो ना गांव मुंह कौन करेगा नहीं है 25 साल हो गए इस वाटर वर्क्स को बने हुए ठीक है 2014 में इसकी सरपंच साहब ने भट्टाराम कड़वासर सफाई की थी हमें नहीं पता कैसे कैसे की लेकिन जिम्मेदारी होती है गांव में जो पदों पर रहते हुए लोग हैं ये फिल्टर है इनको शुरू कराया जाए ये जमुना मिट्टी मिलती है कहीं से लाए और प्रशासन ध्यान दे तो ये नहीं अगर अगर विभाग परमिशन नहीं देगा तो सरपंच के पास इतना बड़ा क्या पावर है 2000 में मैं सरपंच हूँ मैं गांव में चंदो करके 100 रुपया करके निकी सफाई नहीं अब अनुमति को मिले तो गांव में चावत क्यों नहीं हुआ गांव राम चावत क्यों नहीं हुआ नहीं गांव आप पर्सनल कर सके मनरेगा और यहाँ करवा सके पर्सनल काम करवा सके नहीं अधिकारी कौन करा सके पर्सनल कर सके काम जैसे गांव राम होता है हर समस्या का हल कर सकता है गांव राम मैं मानता हूँ और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं होती है मैं युवाओं में जानता हूँ पूरा अध्यक्ष पर्यटन समिति का 3 साल हमने विद्यालय में काम किया ऐसा बदल दिया कि कोई देखे तो कमाल का है वो अभी इसके लिए क्या प्रोजेक्ट आप कैसे बदल सकते हैं इसको हम चर्चा करेंगे बैठक करेंगे बुजुर्गों के साथ सबको प्लान बनाया होगा 5-7 दिन में ये चर्चा चल रही डिग्गी की 10 दिन से फोटो आ रही है क्या कहता कि इसमें पानी मत डालना इसको 1-1.5 महीने सुखाओ पानी की व्यवस्था डायरेक्ट यहाँ आती है इस डिग्गी में आती है फिल्टर में डालो और भेजो कोई पैसा नहीं मिलेगा 1 महीने में पानी आता है वो लाइन फूटी हुई है कभी रोड देते है कभी फूट रही है सारी लाइन रोड के नीचे लाइन आवे फूट रही है पानी फूट रही है रोड को काम चल रहे रोड के सारे लाइन है उत्तराबाद से आवे लाइन भी सो रही तो खड़ा हो जाए वो कनेक्शन खड़ा हुआ है उम्मीद करोगे उसके तो उम्मीद ही बुक रखा है साफ करा गांव 30 मर्जा लाइन को पानी चाहिए माने इम कर दे खाली स्टोरेज है हां पानी चाहिए माने पानी कहां से आएगा वो लो न्यू कह के डिग्गी नहीं बनाऊंगा न्यू बनाने को कहने लग रहे हैं तो न्यू बनाओ 1-1.5 साल आराम लाग जाएगी फिर के करूंगा हम फिर के करूंगा गांव 30 में रहो पानी उसका है ही नहीं हां टैंकरों से आएगा वो अगर ये डिग्गी बनती है तो डिग्गी जब बनेगी तो डिग्गी शुरू होगी बाद ऐसा होगी नहीं इतना क्यों आओगे सीधो करा लेंगे इन्हें अगर नहीं काम गाल देगा तो इन्हें बंद कर देंगे सीधो जितो पानी आओगे भी तो जो सड़क बने साहब लाइन फूट जाए 1 मिनट में आज 3 जगह फूटी है हाँ 3 जगह फूटी है जाओ भादरा रोड पर चेक कर लो लाइन फूट रही है कौन फूट रही है फिर थोड़ा मोटा पानी तो चाहिए ना डांगर पशुआ खातर तो चाहिए दिक्कत है एने साफ करानी है प्रशासन जो सफाई को मैं 10 दिन हम साफ करा दूंगा फेंक दे फेंक दे पानी पानी दे और टैंकर लगाए बाहर कुआ चला के दिखा दे बढ़िया बढ़िया मिट्टी हूँ कुआं है नहीं जमीन के अंदर तो पानी है ऊपर गंदगी है सफा खाली कुआ फुटिया बढ़िया है भरिया बढ़िया है माटी से वहाँ ही कुएं के अंदर भी खारा पानी है बिल्कुल खारा पानी है विधायक ने गया छोरा विधायक को जवाब को नहीं है नहीं साफ कराने खतर गया कौन है विधायक ने के हाथ बंद का टाइम लगे वो इसके अंदर टाइम तो 1 साल लग हाँ 1 साल लग गई एक साल के लिए पानी चाहिए पीने के लिए यहाँ पानी है नहीं यहाँ एक बात है कि मतलब हमारी समस्या निकली नहीं या कि थूक बिलोन लग रही है जनता नहीं थूक बिलोन कोई समाधान को नहीं हुआ और थारू देंगे हुआ तो एक तरह सफाई करानी है बहुत जरूरी है मछलियां मर रही है वो गुंडी करिया
कोई तो पानी पड़ गयो नहीं पानी ठीक है व्यवस्था करिए मान लो चलो सफाई फुटी बढ़िया है पानी डटा ही कोई नहीं मतलब फर्श फर्श जो भी मतलब प्लीथ लेवल है वो फुटे मछलियाँ मर रही है मछलियाँ मर रही है दिक्कत और व्यवस्था भी करिए चलो पशुओं के लिए बहुत अच्छी बात है पानी डायरेक्ट है पशु जाके लड़न वाला काम है बेमतलब काम है मेन मुद्दो यो है यो मतलब अगर साफ हो जाए प्रशासन ध्यान दे दे और बंड प्रशासन को ढीलो काम हुआ है 12 महीना लग जाए 2 साल लग जाए हकीकत में भादरा तहसील में बनाई है किसी गांव में कैंसर का रोगी सारों ज्यादा बनाई में सारों ज्यादा रोगी गंदगी बढ़िया पड़ा है कहीं से तो पिए होगा तो दर्द हो जाए पैसा बंद हो जाए पीड़ी हो जाए इतना गंदो पानी पीने के लिए पानी पीना लोग दिक्कत हो पानी तो साफ हो जाए साफ होगा नहीं तो ठंडा ही ना हो तो इशू ही रहेगा नहीं या तो नहीं बने हेलो उसके या तो साफ करा लो तो भी अपने दूसरे पर नहीं करा लो गांव साफ होने में सरकार इतना पैसा लगा के सरकार मदद करेगी सरकार गौर करे मदद करे तो धोए ये छोरा कहे के कुआं पानी चला ले इतने के बने इतने तो कुआं का को पानी कोनी होगा वो खावो पड़ो यार को पानी है कोनी अच्छा फूटा टूटे बड़े आज 20 साल का पड़े फूटेड़ा बम पानी आवेगो कुटुंब पतलो साफ करा के साल हो गए थे बताओ मैं 88 साल को 88 साल का हो गया हाँ तो कद बने वाटर वर्क्स याद है के वो वाटर वर्क्स साल याद को नहीं मेरे न्यू तो कद बने साल याद को नहीं मेरे अच्छा भैया कितना साल हो गया लगभग अरे कितना साल हो गया वाटर वर्क्स बने बने तो बताऊं मेरा साल में याद को नहीं तो अब के हेलो उसके के हाल निकल पहले भी दो बार यही सफाई हो चुकी है तभी गांव वाला पानी पियो खड़ू तो पियो ही वे तरीको में पीस का यो बोर चलन मारे वो बोर रहे हो परिवर्तन ग्राम विकास समिति हुआ मैं हेल्प करा हूं बे बोर की में पानी देस का अब भी पानी एड की हुई मैं नो पानी पंप का वो हम खारो पानी है के कचरो भी है कादो भी है वो मेन कोई घर है जो पुराना जो मेरे दादा परदादा टाइम का कुआ ना बाई बात कर रहे हैं सोल्यूशन तो कोई सोल्यूशन था कन के प्लान थे बताओ था नहीं कोई सोल्यूशन लगे संगठन हम कोनी मारे काम एकता कोनी बुढ़िया लगा इधर खपी कला रहे हैं नहीं लगा था बुढ़िया खपी कला रहे हैं चर्चा तो और की होनी चर्चा चल की और की ये तो लड़ाई का मुद्दा बन गया ना हमें हेल्प चाहिए जैसे मानते कि 30 मन जाए गांव क्यों ये गांव है अपनी सुविधा 1 महीने कर भी सकते हैं हम जैसे कुएं के पास भी पानी नहीं था उसने कंकर कंकर डालकर पानी नहीं, नहीं, साफ होने के बाद हल हो सकता है ये तो हल क्यों नहीं हो सकता जहर डिग्गी डिग्गी नहीं डिग्गी पूरी फूटी पड़ी है ठीक है डिग्गी फूटी पड़ी है पानी आएगा तो डिग्गी से भी जीव जंतु इसमें आने आने हैं तो साफ करना हल हो सकता है बस इतनी बता दो जीव जंतु देखो मैं नहर पर रहता हूँ कोई जीव जंतु इसमें नहीं आता साफ पानी आया था इसमें मानता हूँ 2 दिन मैं माइनर में चेक करके बैठे 4 लोग वहां बैठे थे पानी में काई तो नहीं 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 एक जगह जमा पानी में काई तो नॉर्मल सी बात है की आएगी आएगी ये आप वो तो देखो इतने बताओ इसको सफाई करने के बाद फिल्टर होगा फिल्टर के फिल्टर के थ्रू गांव के अंदर भेजना पानी फिल्टर चालू करने के लिए कोई बात हुई है सरपंच साहब से हमने बात की थी इन्होंने प्रशासन से फिल्टर साफ सारा करा दिया और पानी की व्यवस्था होगी ना इब कह 3 दिन की बात है 1 मिनट बोले का साफ करा दिया बस साफ कराया ऐ छोरा ही आगे कहो जब साफ करा दिया साफ को नहीं मैं देख लियो नहीं घास काटती हो बंगू प्रो फोन काटियो फोन काटियो एक को काटे उमा जो काटन लाग रिया एक को काटन लाग रिया नहीं एक तो अब पड़लो तो काटेड़ो पड़े ओ पूरा भरेड़ो पड़े हां ओ भरेड़ो पड़े पर साफ लगे बोले मैं सफाई कर देंगा समझ गया आ लाइन फूट जाए कर्मचारी है प्रेशर पे पड़े जद हुआ दूसरी बात स्पष्ट मन तो आई बात कहो है कहेंगे वर्क रे सरपंच साहब मेरे को धान देश का मैं 10 बारी चले गए कम से कम मैंने आई बात कहा वर्क ऑर्डर हो रहा था मैं वो काम दे कौन सका मारो विभाग है वो अपना आप नहीं विभाग ही साहब तो फिर मान लियो क्या वो साफ भी कोनी हुआ वर्क ऑर्डर साफ को हुआ कोनी छोरा है आंगे सागे गांव का मिले कोनी आपस में थारी भी ये थोड़ी देर पहले कला थोड़ी देर बाद कोनी हुआ तीसरी बात तीसरी मिले को कोनी सारा के मिले मिलने कोई दिक्कत कोनी है सागे हो गए थे कोई कोई काम सागे हो गए हुआ सारो गांव लागे ने जो साफ हुआ वो पानी तुम्हें 2 दिन में खाली कर देगा दिक्कत ले लियो 2 दिन में मैं फिंगा दूंगा पानी फिर डिग्गी 1 मिनट में साफ कोनी हुआ 15 दिन चाहिए 15 दिन खातर पानी की व्यवस्था वाटर वर्क सारा करे खटूंग करेगा
तो क्या मैं को दूसरी व्यवस्था दूसरी व्यवस्था है कोनी थोड़ा बता किस के किस बता किसो को जो दो मन रे बोर मन रे जो पीछे एक महीने पे एक महीने पहला भरतराम गढ़वा सर जन साफ करिए जदी हम बोरा पानी पिया के की व्यवस्था हो एंगो खारो है पानी ए बोर को खारो है बेंगो थोड़ो सो मिठो है वो स्कूल में जावे तो थे सारा साथी देखने लाग रहे और भी गांव का लोग है और सारा युवा उरा आ गया और आंगी मेन जो मांग है भाई यही है कि अगर आप डिग्गी सफाई करे जाए और करे बाद में एक महीने साफ पानी आवे न्यो काम हो जो न्यो वर्क ऑर्डर हो वो अगर जत पूरा नहीं हो जत ही टंकी को पानी चल रहा हो जब बात बन जाओगी बनने के बाद में बहने शुरू कराएगा और इन्हें बंद कर देगा इतना एंग चल रहा है और इंग महीने थे एक बार दूसर देख सको टंकी की स्थिति की है और गांव के लोगों भी आप बात करांगा और एंगो बहुत अजी न्यू को एक जनो मां बढ़ गया मां पग मार के दिखा दियो मो बेरो पड़ जाओ साफ ही तो किसो मतलब भैंस पड़ जाए तो बे कौन लिकड़े जा कौन लिकड़े जा भैया ई शाम हां इति कहां पर है हां इति कहां पे इति कहां पे मां इति कहां पे हां गोडा गोडा कहां पे मां एक दिन में गांव क्यों खाली कर देवो छोरा भी देख जी कन गया प्रशासन कन भी गया प्रशासन ने बात को भी बेरो है बेका के जल्दी साफ करवा दे जल्दी साफ है प्रशासन करावा है इनको विधायक जी करावा है विधायक जी तो गुजड़ो उठ गए सुती है अब प्रशासन करावा कौन की विधायक जी कहने जोर ने दे कौन करे जोर करवाया तो क्यों कौन कर दे प्रशासन ने करनी पड़ेगी जोर दिया जोर तो कैश के बाम इतनी चाल है तो दो दिन में हो जाए साहब कहने कौन लग रहा है क्या क्या मी हो वो मैंने आपको काम काट रखी है ठीक है आप मस्त बैठे हुए टक्कर फिर इसका टंकी साफ ना वोट दोगा टंकी हां वोट देंगा वोट देंगा वोट देंगा नोट देंगा सारा काम देंगा मैंने टंकी साफ होया हां मैं साफ होया देंगा साफ होया कौन जा साफ होया के करवा साफ होया फिर मैं वोट कहूंगा और कौन देंगा वो नहीं करे उसे कर देंगा नहीं करे देंगा अपन वोट है वोट हम बचाएंगे मैंने जो गंदगी खा गया सारी अरे इवन वोट और जाऊंगा मैं वोट कहने दूंगा बोर्ड सुनो लागा को बन जाएगा एने बलवान जी ने बलवान जी ने धक्का तू गांव मुरू चाल भैया बादरा तसील हूं और इतनी नहीं नहीं टंकी साफ करा दे तो मैं तो कांगा बलवान जी ना होता है सीधा में सीधा नहीं तो टंकी साफ करा दे तो टंकी साफ करा दे माने के चाहिए मान तो काम चाहिए तो काम करा दे कराओगो तो मान बोर्ड बन ही देना है माने के करनो सड़क बना लाग रहे हो टंकी साफ आएगा हम देखो जीरो है काम बनाए गांव में विधायक को जीरो काम काम रेट हो कोई काम को नहीं जीरो का सड़क बनाने लग रहा है बाप जो मेन रोड गया है वह विधायक हाथ में को नहीं पीछे ये जो मंजूर हो रही है वह अब मन लग रही है मन लग अब के लागे के थे विधायक जी कन चार पांच छोरा गया तो के लागे के दबाव काम हो जाओ यो ओ काम विधायक जी को नहीं आगे कोई विधायक आओ ना वो कर दे तो कर दे ओ काम हो के कारण है ए विधायक को नहीं हो बनाए गांव में विधायक कोई काम कराए को नहीं कराओ को नहीं कोई कोई काम विधायक कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल सारे सब सेंटर कोई इना हो तो विधायक के नाम हो कोई एक ईंट को लागी बनाए गांव में इने किंदे हो तो इना डर लागे लागे ओके ना डर ने मने के मुंह गल एक ईंट को लागी विधायक का नाम ही तुरते विधायक का नाम ही एक ईंट को लागी मारगा में हॉस्पिटल में स्कूल में मास्टर मुस्टर है के सारा मास्टर तो भाई पुराना बैठे हैं बैठे ही बापड़ा खड़ जा तो और ईंट एक कौन लागड़ी मारगा में भी काम का नाम नहीं ईंट तो सारो का दो कटवा दिया थर कटवा देगा तो देखांगा फिर कोई भी दे बोटो बटो फिर देख लेगा कोई सुहा दे नोट रिपोर्ट दोगे नोट तो मान अपनी को नहीं बरतने बिन तो कड़ो दे जा वो दे दियो माने नोट मार आप नहीं को नहीं बरतने नोट हो यहां इतनी देर के मिला लाइट लुइट आवेगा में लाइट आवे दोपहर कट जाए सांझ रोटी खाना टाइम कट जाए 10 12 बारी आ जाएगा मैं लाइट 10 12 बारी आ जाएगा 20 30 बारी 20 30 बारी मतलब उतड़ उतड़ के 5 मिनट काट आधी घंटा काट दे 5 मिनट छोड़ दे आधी घंटा काट दे 5 मिनट छोड़ दे यही हिसाब हुआ तो गांव में लाइट ही कोनी पानी कोनी आ के गांव में पूछ ला रहे हूं गांव में लाइट आवे कोनी पूछ लाइट कोनी आवे भैया कोनी आवे तो लाइट ही कोनी पानी कोनी क्या इलाज है समस्या है आपको हम अंदर से दिखाते हैं इना होते बताओ तो ये बताओ आगे थे गांव का कौन के इना हो फिर बताओ थे बताओ किस विधायक का आदमी हो गए तो सारा साथी ये वीडियो ने शेयर करो और मैं थाने अंदर हूं दिखाऊं वह साथी है और थे देखने लग रहे हो सारा साथी वीडियो ने शेयर करो 200-300 साथी माने लाइव सुन लाग रहे वो देख पा रहे होंगे ओ देख देख वो देख पा रहे होंगे आप ये देखो ये इस जहर को हम कैसे पिला सकते हैं गांव वालों को इस जहर को कैसे पिला सकते हैं इसलिए हम खाड़े पर नहीं गए इसमें पानी डालने का कोई औचित्य नहीं है गांव अपनी अपनी सुविधा खुद करेगा एक महीने अगर कोई सफाई करवाता है तो हम तो यही मांग करते हैं अभी जो भी पंच वार्ड पंच उप सरपंच सरपंच शासक सदस्य जय्यन हो या अय्यन हो कोई कैसे भी इसको सफाई कराने का वर्क ऑर्डर जारी करें
क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत ये बनेगी। तो कालो पानी है भाई जी, आज पूरा जाल बन चुका है। सफाई उसकी 9 साल पहले पिछले सरपंच ने करवाई थी, कैसे करवाई हमें पता नहीं, कैसे गांव वालों ने एडजस्ट किया उस पानी को, लेकिन हमें अभी सफाई चाहिए वरना यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे वाटर वर्क से आगे। कैंसर की सबसे ज्यादा बीमार हो रही है, हमें से कह सारा इस पानी की मेहरबानी है। अच्छा, बनाए गांव में सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी है, भद्रा तहसील में तो थे, देखने लाग रहे हो। और यह सिर्फ पानी की मेहरबानी है, यह सिर्फ पानी की मेहरबानी है, हमारी सोच है। मेरा टूटी आज बदबू आ गई पानी के महीने, टैंकर गिरा होगा, मैं टैंकर गिराना पड़ जाएगा। अच्छा, टैंकर कितना रुपया लेगा हमका? देखो 700 रुपए उतार दो, बस लेने के लाने के लिए लिए थे, अभी 300 रुपए लेते हैं। 300 रुपए लेते हैं? 300 रुपए जी। तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे पूरा गांव जो है वो भादरा लाइव की कवरेज के बाद और उससे पहले भी यहाँ पे पहुंचा था, और उनसे हम और भी बात करेंगे, गांव के सरपंच साहब और सरपंच साहब के साथ साथ और भी गांव के मौजूद लोग युवा भी यहाँ पहुंचे हैं। ताऊ जी, काला पानी की सजा हो रही है तो ये मोदी जी से संपर्क करो आप, उसके बाद पहुंचाओ कि बैंड तो बनाए के अंदर मोदी जी तेरे राज के अंदर दुनिया मर रही है। राहुल कुशवाहा सुनने लागे होता है, राहुल कुशवाहा मोदी का राहुल कुशवाहा वो कुछ कर नहीं रहे, एमपी है गम्मे गुमा आवे कौन है, कभी नहीं आया है, देखने के लिए नहीं आया, 10 साल से नहीं आया, 10 साल हो गए बने, कभी नहीं आ रहा है, वोट ले जाता है मोदी जी कर जाता है, वोट जनता देती है, मैं नहीं दे रहा उसको, आप ही वोट नहीं देते? बिल्कुल नहीं देता हूँ मोदी को, इस बार भी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये डिग्गी डिग्गी साफ कर देगा, दे दे, करता ही नहीं है। अरे आप इधर आइए, मैं चलता हूँ। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं आपको तो काला पानी की सजा हो रही है, है काला पानी सीधा नहीं, काला पानी टिपा रखे मान तो कितना ही ना एमपी एमपी की भाई योजना है, एमपी भी गम में कोई एमपी एमपी कोई कोई को नहीं आओ, जीत क्या जाएगा, जीतते तो भाई वोट देते हैं लोग, एमपी जाना किसी को है, कौन जाना में एमपी भैया को झूठी कहा नहीं एमपी की। तो देखने लाग रहे, और आप डिग्गी जगह छात थोड़ी देर पहले दिखाई, और ताऊ जी मन सागे ले जाके दिखाओगा, थे देखने लाग रहा होगा सारे गांव का लोग, और कद बनी ताऊ जी थरियाद है के कद बनी 15-20 साल हो गया छाती झापड़ी और सारो रंगो झापड़ो है, मोदी जी का काम है, तो मोदी जी संभालता नहीं है इसको, मोदी जी नहीं संभालता। हाँ बिल्कुल नहीं, देखते हैं एमपी और कौन है, एमपी है, एमपी कहेगा तो मोदी कहेगा एमपी को तो आएगा, क्यों क्यों आए नहीं रहा है, बनवाई हुई किसकी है ये बनवाई हुई सरकार की है, केंद्र की है, कांग्रेस सरकार की बनवाई हुई है, राजस्थान में भी कांग्रेस की है। हाँ राजस्थान अभी भी नहीं संभाल रही इसको, कौन सरकार दोनों नहीं संभाल, हाँ दोनों नहीं संभाल रही। तो आप देख पा रहे होंगे के को था, राहुल को सुन ला रहे के को किनको आगे, राहुल को सुन तो पाओ था, हाँ तो सुन तो पाओ, राहुल को यहाँ आया ही नहीं, राम सिंह को कहा हमारे गांव में के लिए सहयोग दो, कुछ देंगे देंगे क्या, दद्दा दे देते हैं और आते हैं ही नहीं, कुछ की बार, नहीं। अब की बार चुनाव आएंगे आप, नहीं नहीं देंगे मोदी उसको एमपी को वोट नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे एमपी कर, हम जिक्र चला है एमपी चुनाव लड़े कौन, राहुल नहीं लड़े तो वो राज्य हाँ तो विधायक को लड़ो तो मारे लड़ ले, हमारे में तो है को नहीं, विधायक को लड़ो तो ले लो राजगढ़ में वोट। तो थे देखने लाग रहे और सारा गांव का लोग सरपंच और युवा जो है वो आप बात करांगा, क्योंकि आगे या पहले और जो गांव में आगे कमेटी है, बन कमेटी आगे बताओ भाई साहब अब आगे हो के चल रहे हो आगे, देखो हमें थोड़ा वेट करेंगे 10-15 दिन, ऐसा नहीं है हम लड़ाई करने के लिए आए यहाँ पर, हम मुद्दा उठाने के लिए आए हैं। देखो आपको भी पता है कि कितना जहर पी रहा है गांव, और हम परिवर्तन ग्राम का समिति चलाते हैं, हम चाहते हैं हमारा स्कूल का काम हो गया, हम वाटर वर्क्स पर आ गए, और यहाँ पर 50 बंदर है इनका भी मुद्दा हम उठा देंगे जो खा रहे हैं अभी विभागों में आ रहे हैं इनको, लेकिन कोई समस्या हल क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार है क्या भ्रष्टाचार तो क्या, देखो काम ही नहीं हुआ भ्रष्टाचार, काम ही नहीं हुआ भ्रष्टाचार, काम ही नहीं गांव में नहीं हुआ, गांव में नहीं आया तो क्या चीज को काम को नहीं, गांव में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ गांव में, पंचायत समिति का टोन पीसा लगे हमारा, क्या क्या किस चीज का लगा, एक तो सड़क आयो नहीं, आज सड़क पंचायत समिति का टोन अभी 12 महीने पहले 12 महीने पहले, और उसके अलावा स्कूल में पीसा लगन ला रहे, विद्यालय में 4 कमरा बन ला रहे, स्कूल में लगभग 1 करोड़ की लागत काम कराए, और सोसाइटी को दाम आ रही है, नागरा हॉस्पिटल आ रही है, काम तो हुई नहीं, नहीं ये जो आप डिग्गी देख पा रहे होंगे, इस डिग्गी के अंदर आप जहर देख पा रहे होंगे, इस जहर को गांव के लोग पी रहे हैं, आप कहाँ कहाँ है राज सो रहे
राज के चक्कर काट रहे हैं, हम भी राज के चक्कर काट रहे हैं। आप तो राज की यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। होगा तो राज में आता हूं, मेरा गोड्डो तो काटते, लेकिन जरूरी कोने काम हो रहा, राज में हो रहे काम नहीं हो रहे आप? नहीं, काम कम हो रहे हैं बिल्कुल। क्या कारण मानते क्यों नहीं हो रहे आप? तो मतलब जो कार्यकर्ता मेन कार्यकर्ता काम नहीं हो रहे, फिर होंगे किसके काम? हम तो तीन बार जा चुके हैं इसके लिए और अल्टीमेटम दिया भी, हम इसके वाटर से ताला मारेंगे बात। क्यों नहीं हो रहे काम? क्या लग रहा है काम? प्रशासन गांव के आप दे रहे हो? अक्सर अक्सर सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि लास्ट आदमी की सुनवाई होती है, फर्स्ट की नहीं हो रही। जहाँ पर गांव की एकता नहीं होती वहाँ पर काम नहीं होता, मोटा मोटी बात है। आप देख रहे हैं कब से बहस करे लोग, वो उस वाले को गलत बता रहे हैं, वो उस वाले को गलत बता रहे हैं। ये कौन है, कौन लग रहा है, कौन है गलत? गांव है गलत, मोटा मोटी मेरे को तो ये लग रहा है। गांव गलत है तो जहरीला पानी पी रहा है? गांव गांव का नहीं है, गांव की एकता नहीं है। कल उत्तराधाबाद नहर पे पानी लाने के लिए मात्र 4 आदमी गए थे, 3000 वोट है हमारे गाँव में, ये मोटी समस्या। सारे लोग जाए? हाँ बिल्कुल, कम से कम 200-300 लोग जाए। अब देखो सारे सारे लोग आगे सफाई के लिए करवा दो। हाँ तो बिल्कुल, हमें अल्टीमेटम दे दिया, 3 बजे ताला मारेंगे इसके। कितनी तारीख को मारेंगे? 3-4 दिन में हम दोबारा मिल के आएंगे, एक बार जाइए ना इनसे बात करेंगे, फिर ताला बंद। लास्ट बार भाई साहब आप लोगों की बात हुई कब? कब हुई थी लास्ट बार बात? सही है ना, इनसे अभी 5-4 दिन पहले सरपंच साहब के घर पर ही बात हुई थी, भड्डी के आईएन है कोई, उन्होंने जयन से बात की, सुविता से बोले वर्क को टेंडर हो चुके हैं। सुविता आईएन है? अच्छा, आईएन है क्या? तो बोले वर्क ऑर्डर होने, लेकिन वो चीज है वो टंकी बनेगी जिसमें 4-5 साल लगेंगे फिर ये बनेगा। हमें सफाई चाहिए ना, इतने जहर थोड़ी पिएगा गाय। अगर प्रशासन नहीं करता है, सरपंच को एनओसी नहीं देता है, प्रशासन एक्टिव नहीं है, गांव वाले ये गांव में बीमारियां फैल गई। यही कह रहा हूं मैं, गांव वाले करे स्टोरेज नहीं है तो गांव में काम कैसे होगा? प्रशासन काम करेगा नहीं, गांव वाले करे स्टोरेज नहीं है तो 9 साल से लगातार 9 साल और लगे। क्या हाल आपके पास इसका? हल क्या, मैं तो कह रहा हूँ सारा गांव इकट्ठा हो, इसकी तालाबंदी कर दो। तालाबंदी के बाद प्रशासन अपने आप आ जाए यहाँ पर? नहीं, प्रशासन आ गया मान लो अभी आ जाता है, क्या उनके सामने रखेंगे कि वो भी कहेंगे कि हमें हमें जगह चाहिए, टाइम चाहिए, पानी की कटौती भी होगी? आपके पास क्या इलाज? जगह हम थोड़ी देंगे, जगह तो वो खुद बनाए, उनको वो करे एक और स्टोरेज बनाएंगे, पहले वो स्टोरेज का काम शुरू कर दे, फिर ऊपर वाले टंकी का काम शुरू कर दे, ऐसे थोड़ी हो। इसकी सफाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसका पानी 1 साल तो लगभग और पीना पड़ेगा। बिल्कुल, 1 साल के 5 साल लगेंगे इस हिसाब से। तो आप देख पा रहे होंगे गाँव के सारे लोग, और ताऊ जी इनाओ थाने जय की मेकअप है ओके गांव में, क्या 4-5 करोड़ को काम कुम चलन लग रहे, साथी बोले एग्री करे किन ने चला काम है तो कौन देखे काम? अभी अभी मैंने करवाया है, स्कूल में चले नहीं अपने कंगो 1 करोड़ स्कूल में चलन लग रहे थन रे कंगो विधायक को विधायक को पूरा को राज्य सरकार को कोई काम को नहीं है, काम है लाइन लग रही, काम की गवर्नमेंट को काम है, कोई काम को नहीं हो रहा है। अभी क्या नहीं चार काम, चार काम गिना है, अरे रोड बनी बता, नई रोड बनी है तो आज होनी है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है या कोई विधायक को गवर्नमेंट को बात छोड़ दो, पानी की मोटी समस्या है, समस्या तो हमारा पानी वाली है, पानी बिजली की, हां पानी बिजली की है, आ समस्या दूर हो जाएगी नहीं तो मैं सारी समस्या दूर मान जाऊंगा। अब उम्मीद है कि दूसरे से दूर हो जाएगी, इबो ओणोंगे भी कने बेर पटा है तो करवाऊंगा तो हमारा तो आता है, बिल्कुल 3 दिन काम घणो ही हो रही हो, देख लियो तो घणो ही है काम में, बाकी नाम है और देख लियो पानी देख लियो सुनो पानी है और विकास देखो दे घणो ही विकास होया है तो देख लियो दो किला का विकास है पूरे जिले करण लाग रहे हैं, वो कौन घणो भारी विकास है, विकास में बाकी नाम को नहीं भैया इधर ही करवाओ तो आगे निर्वोध ही जीता हो और आगे कोई सारे को नहीं बिठाएंगे भैया विकास और देख लो बर्सी लात मार दिया मैं क्या मार दो पानी सरपंच की गलती को नहीं है, कोई काम दिया विधायक ने तो सरपंच काम करवा सरपंच के करवा 3 दिन हो गया सरपंच ने काम करवा दिया सरपंच के केला के काम हो जो सरपंच हो है आप कौन कहां हो है विधायक एमपी करवा दे करवा दिया बाबू विधायक एमपी करवा जब भी हो तो यो काम है हो जाओगे आप उम्मीद है कि हो जाओगे हैं आप उम्मीद है कि हो जाओगे उम्मीद कोनी मैं तो वही पीण लाग रिया कोई पीण लाग रिया आगे भी वही पीणो पड़ेगा आगे मेरे कौन तो आगे कोई ढंगो राज्य तेरो कोई आगे कोई पीणो पड़ सके है वो कौन लेवेगे बोट डेढ़ा सगड़ा काम करेगा हाँ बिल्कुल डेढ़ा है आगे कोई और नहीं हो देख लेंगे। तो अब केला के पास 3 दिन बाद तालो मारे तालो मारे हो जाओगे तालो मारे हम तो की अलर्ट तो लागे नहीं मैं खेता चल जाऊंगे लतीसा मरा पशु तालो मारे तालो मारे पशु तीसा मरा गा नरेगा नरेगा चल रहा है टाइम पर तो नरेगा तो चल रहा है नरेगा कौन पान मिलेगा अब तो बोलो। अब जो लड़के कह रहे हैं कि 3 दिन का एस्टिमेटम अल्टीमेटम है उसके बाद तालाबंदी करेंगे क्या क्या आगे का आपका प्लान रहेगा? मैं बात कर लूंगा मैडम जाइए तो मैं बता देगा सफाई कद हो है, के हुआ है बाकी वर्क ऑर्डर हो रहेगा
तो एक मिनट में तो वो डिग्गी भी साफ कोनी उसके ना साहब उसके गे कोनी उसके ना तो सिस्टम होगी पानी की व्यवस्था करने की बाद डिग्गी साफ होगी यहाँ सीधी कोनी उसके उसके तो आप बता दो पानी खटू ले आऊंगा कोनी होगी अब के कोई प्लान बनाए प्लान बनाया बट वो बात तो ये बोली एक महीने में काम शुरू हो जाएगा सारो थारो अब बात बोली है मन तो पहले सफाई करानी पड़ेगी एक बार तो नहीं सफाई करानी पड़ेगी तो करा देगा पानी व्यवस्था कर दिया तो करा देगा सफाई कोई दिक्कत को नहीं आप बोले कि नहीं करा देगा अगर पीछा नहीं आवा तो गांव का सारा ने पूछ लियो गांव का अगर पीछा बेड़ा कर सके या सरपंच साहब के साथ प्रत्येक बंदो कसी लेके लाग सके लाग सके तो सरपंच साहब मैं एक मिनट में करा दूंगा कोई बोल लागे बड़ा ऐसे लागे कोई कोनी कोई बोल लागे पानी लाण खातिर सरपंच तीन दिन तक मेरे वीडियो पर तक कोई कोनी आयो नहीं ठीक है मेरे को पानी लेने गया विधायक जी के को आगे पानी दियो तंग बावजूद भी कोई कोन गयो गया कौन से तो दिक्कत हो पांच आदमी रहे और विधायक ने पानी फुटायो बोले भाई बिना बारिश पानी कोनी आवे सारा पानी लगाओ खेत में सब फसल बड़ा सब जोर मारा आप कर लो तो फिर वो थोड़ी शिकायत रहा तो अब केला क्या है एक महीना काम शुरू हो एक महीने बाद क्या काम शुरू करा देंगे थारो सुनी त्रिया अरे कोई दिक्कत को नहीं बिल्कुल कर देंगे ठीक है सर जी जी तो आप देख पा रहे होंगे और अब लगे कि एक महीने में जो काम शुरू मान तो कौन लगा मान तो कौन लगा है मान तो नहीं लगा कुदरा उड़ी सो जाओ सही ठेका नहीं बोले फोन की फोन तो उरा मिल लेंगे जद नहीं जद कोई चलाने वाला बच्चा को भेज लेंगे यार चलाओ कुने को चलाओ बच्चा कुछ काम आऊंगा ना फोन फोन मिला को चलाओ कुने कोई बच्चा कोई को नहीं चलाओ कुन फोन ने सरकार के भरोसा सारा मर जाओ हमें कोई दिक्कत गंदगी पी पी के मर जाओ हमें फोन भाई आपका धरे रखो आपका आड़े में वो काम क्यों नहीं करते फोन देते जख्म रहा हूँ अभी रहे वो काम कर दो जो जनता सूखी तो पानी तो पी लेगी दोनों काम इकट्ठा हो जाए फोन ही देते फोन में तैयार है बैठा ना फोन की जरूरत कोनी फोन की जरूरत कोनी कहीं जोर होगा जी में तो लिया होगो बन ओ काम करवा देगी नहीं सरकार तो मैं फोन ही मानना बिजली बिल बाल माफ होएगी कर ओए कितना के बे पहले आऊं तो बे बिताई बिल बिजली बाड़ा ना क्या हूं बिल कड़ा आ रहा है 200 यूनिट फ्री हो बता नहीं कर होया तो है नाम तो लिख के दे गया अब बिल भाई आवा सगी बिना उल्टी को ज्यादा भलाई कम कोने पण नाम फ्री को दे दियो पूरे दो महीना मीटर बंद रहे और 2100 रुपया है दो महीना मीटर ले यो नहीं और 2100 रुपया आ गया क्या कुदाक मार के होगा 200 यूनिट माफ होगी तब होगी होगी दो महीना हमारो घर बंद हो मीटर बंद हो बिल्कुल ही और 2100 रुपया है नाम फरी हुआ लोग मार भर की बोली जनता है बुलावे है और रगड़े बापड़ी ने रगड़ लो कोई बात को नहीं थे ऐसे ऐसे रगड़ दो अग न और देखांगा और रगड़ देना आज यो मान मान दे एंड भी रगड़ी जणु है हर जोरा में किसे रगड़ देती और किसे रगड़ दियो चीज रगड़ दियो आप बेलो तो मिर्च मसाला और बंटर लाग रहे सागे सागे के आप मट्टी आ रही है देखी भाई मट्टी आ रही है बा देखी मिर्चा में नीरी कोरी देते है मिर्चा में तो मारी गम में बंटर ला रही है बंटर ला रही मंटली अच्छा पेंशन पेंशन मिलेगी पेंशन मिलेगी पेंशन नहीं तो मिल जाएगी कने 500 मिलेगा नहीं 1000 मिलेगा तो बदी है बदी की बद्दी है तो आप देख पा रहे होंगे और अब गांव के वाटरवर्क्स काल किस तरीके से होता है ये देखने वाली बात है और यहाँ पे गांव के सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं और गांव में बंदर है वन भी आगर ने कह दियो एक ही दिन आगे कौन ले जा कितना कह दियो कम कम है तो 30-40 बंदर है आवे जावे जो लोग मतलब पड़े है अच्छा तो आगर ने कह दियो आने आने ले जाओ जो कोई को नहीं आवे 50 बंदर है तो मैं एक ही थोड़ी कहूँ वन भी आगे ले जाएगी तो और कौन ले जाएगा बंदर बताओ अच्छा हॉस्पिटल में अच्छा हॉस्पिटल को आंगनबाड़ी है बेमे टाबर को नहीं आसके हाँ डॉक्टर ने खा गयो बिमला अंदर शहर है बैन खा गयो बंदर खा गयो हाँ बंदर खा गयो तो ठीक है तो देख पा रहे होंगे गांव की मुख्य समस्या और गांव बंदरों से पानी से बिजली से सब चीजों से परेशान है और अब इनकी परेशानी दूर करने के लिए क्या कोई अवतार लेके आता है ये देखने वाली बात है और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा अब इनकी पानी की समस्या का हल किस तरीके से हो पाता है ये देखने वाली बात है आप तमाम लोगों ने हमें सुना आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।